नमस्ते। तो कैसे समझ में? आज की वीडियो अगेन एक टॉपिक है, अगेन टॉपिक वही टॉपिक है जो कि मैं बहुत बार बना चुका हूँ इस पे वीडियो। और उस टॉपिक का नाम है स्टैमरिंग, ठीक है। और स्टैमरिंग की प्रॉब्लम जो है उसके लिए मैंने बहुत सारी वीडियो बनाई है भाई, और वन मोर वीडियो ऑन दिस टॉपिक ओनली, ठीक है। और इसमें मैं कुछ लोगों के आंसर भी दूंगा और एक टिप भी दूंगा, ठीक है। मेरे पास बहुत सारे क्वेश्चन आए थे, और उनमें से एक क्वेश्चन है कि यार मुझे ना इंग्लिश के कुछ वर्ड हैं जिनको बोलने में मुझे प्रॉब्लम आती है, ठीक है। और वो वर्ड हैं एयर, इंडिया, लाइक इन दोनों वर्ड में नहीं, केवल इंग्लिश के इन वर्ड में प्रॉब्लम आती है। उसका प्रॉब्लम क्या है? इंडिया ऑ देन एयर ऑ, ठीक है। तो यार उससे मैं बोलना चाहूँगा कि यार सबसे पहले तो औ आ ई ई उ ऊ जो ये होते हैं ना, व्यंजन कहते हैं या फिर स्वर कहते हैं इनको, आई डोंट नो हिंदी में, मुझे इतना पता नहीं है, ठीक है। इनका यूज करो यार, ठीक है। इनको रीड करो यार, मतलब इनकी प्रैक्टिस करो ऋतिक की तरह, ठीक है। ऋतिक ने यही किया था, ठीक है। इनका प्रैक्टिस करो, लेकिन जोर जोर से पढ़ो इनको, जोर जोर से इनका यूज करो, और उसके बाद ये वर्ड्स बोलना ट्राई करो। उसके बाद नहीं बोल पाते हो तो फिर से ट्राई करो, और परफेक्ट डेफिनेटली बन जाओगे यार, 100%। कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे बताया कि प्रैक्टिस प्रैक्टिस यार बहुत बड़ी चीज़ है यार। प्रैक्टिस को मजाक में मत लो, कोई भी चीज़ की प्रैक्टिस ना तुमने। दूसरी का क्यूट है कि मैं उन लोगों से, उस बंदे से नहीं डरता जिस बंदे ने, वो कहता है जिसने 100 किक्स कि प्रैक्टिस एक दिन में की है। अलग अलग तरह के किक्स हैं, 100, उनकी प्रैक्टिस एक दिन में की है। मैं उनसे नहीं डरता, उस बंदे से नहीं डरता, मैं उससे डरता हूँ जिसने जिसने केवल एक किक की प्रैक्टिस कितनी बार की है? हजार बार किया है भाई, एक दिन नहीं बल्कि रोज की है उस बंदे ने प्रैक्टिस, तो परफेक्ट बनेगा, दैट इज द फैक्ट, ठीक है। उसके बाद क्या था? रीडिंग प्रैक्टिस, ये भी थी, मैंने बता चुका हूँ पहले, दोबारा नहीं बताऊँगा भाई, ठीक है। करो करो लगातार करो, प्रैक्टिस बनेगी 100%, प्रैक्टिस बनेगी तो 100% होगा, काम करेगा, ठीक है। और कुछ एक गर्ल, एक लड़की कहती है कि यार मुझे ना ओनली 90% स्टैमिना की प्रॉब्लम है, ठीक है, मुझे 90% स्टैमिना की प्रॉब्लम है, एंड मतलब स्टैमिनिंग की प्रॉब्लम नहीं है, मतलब 90% मैं प्रॉपर बोलती हूँ, लेकिन केवल 10% मुझे प्रॉब्लम है, ठीक है। तो उस बंदी में सही बताऊँ तो उसको स्टैमिनिंग प्रॉब्लम है ही नहीं, सही है। वो केवल ना कम रीड प्रैक्टिस, कम बात करने की वजह से है, केवल कम बात करने की वजह से। इसलिए खुद से बात करना स्टार्ट करो रूम पे यार, खुद की वीडियो बनाना स्टार्ट करो, भाड़ में जाए बनाओ और कर दो, पेस्ट करना है यूट्यूब में डालो या फिर अपनी खुद की वीडियो देखो यार। मैं क्या करता था, देखा, मैं एक जगह थी जहाँ पे बहुत सारे मेरे से बहुत बड़े बड़े सीनियर लोग थे, ठीक है, और वो लोग कुछ भी सुना के चल देते थे मेरे को, ठीक है। तो मैं कुछ बोल नहीं पाता था, सही है। फिर मैंने क्या किया, मैं क्या करता था घर पे, पता है, मैं अपने आप को खुद को कोई भी टॉपिक देता था, ठीक है, खुद को टॉपिक दिया मैंने, एंड उस पर या फिर वीडियो बनाता था अपनी, या फिर अपने ऑडियो रिकॉर्ड करता था, और उस पर कुछ ना कुछ कुछ भी बक बक करने लग जाता था, राइट। फॉर एग्जाम्पल, उस बंदी ने, केवल एक बंदी ने मुझे किसी बात पे सुनाया, ठीक है, तो मैं उसका आंसर कैसे दूंगा। वो चीज़ मैं अपने मन से, मतलब अपने रिकॉर्ड करके मैं ये करता था, ठीक है। और अगले दिन उस बंदी ने मेरे को दोबारा सुनाने का ट्राई किया, तो मैंने उस बंदी की फाड़ दी थी, ठीक है। वो बंदी बहुत बोलती थी, ठीक है, लेकिन मैंने उसको एक चीज़ बोला, अगली बार से बोला नहीं उसने मुझसे कुछ, क्योंकि मैंने उसको सुनाया बहुत गंदा, क्योंकि मैंने प्रैक्टिस की थी उस चीज़ की, मैं रोज प्रैक्टिस करता था घर पे यार, और मैंने उसको सुनाया बहुत गंदा, ठीक है। तो इस तरह से कोई भी चीज़ करो यार, प्रैक्टिस करो, इस तरह की प्रैक्टिस कर सकते हो तो तुम लोग डेफिनेटली हो सकता है तुम्हारा, ठीक है। एंड वन मोर थिंग यार, एक और एग्जाम्पल दूंगा तुम्हें बहुत बड़ा, सही है। वो क्या है टिप्स, बहुत बड़ी टिप्स है, ठीक है, और इसका यूज़ कोई भी कभी भी अपनी लाइफ में अप्लाई कर सकता है। कैसे?
मैं रास्ते में जा रहा था, ठीक है, रास्ते में टहलते हुए शाम के टाइम पे जा रहा था, इवनिंग वॉक पे जा रहा था। क्या हुआ, सामने से मैंने कहा था कि भाई मैं आगे तक ही, यहीं पर तक ही जाऊंगा, क्योंकि उसके आगे बहुत सारी लड़कियां होती हैं और बहुत सारे लोग, लड़कियां, औरतें और लोग बैठे रहते हैं, और उनके सामने मैं गुजरूंगा और वो लोग मुझे देखेंगे तो मुझे शर्म आएगी। मुझे अच्छा नहीं लगता था, एक्चुअली मैंने ऐसा सोचा, ठीक है। और उसके बाद मैंने क्या किया, अपने आप को टास्क दिया, ठीक है, टास्क दिया कि यार मैं, ये लोग चाहे मुझे देखें, चाहे मुझे कुछ भी अंदर से फील हो, ठीक है, अंदर से कुछ भी फील हो, लेकिन मैं उसके पार जाके रहूँगा। इस जो ये एरिया है जहाँ पे बैठे रहते हैं लोग, उनसे आगे जाके रहूँगा और जो चौराहा है वहाँ तक जाऊँगा, ठीक है, जाके दिखाऊंगा, ये मेरा आज का टास्क है, ठीक है। और ये टास्क मैंने करा, मैंने कहा चलो ठीक है जाते हैं, मुझे लग रहा था थोड़ा अजीब लग रहा था, लेकिन किया मैंने वो टास्क पूरा, किया जाके आया बैक, ठीक है। लोग देखते रहेंगे, केवल लोगों का काम है देखना, और वो गए भाड़ में, ठीक है, अपने दिमाग में लगाओ भाई, लोगों का काम कुछ भी नहीं है, वो लोग गप्पे मार रहे हैं रास्ते में बैठ के, तुम लोग इवनिंग वॉक कर रहे हो गोसाई का, तो तुम्हें फर्क नहीं पड़ना चाहिए उससे, बे भाड़ में जाए लोग, ठीक है। तो ये काम करो यार, कभी भी रीडिंग प्रैक्टिस करने में प्रॉब्लम आती है तो यार, जैसे ना तुम्हें कोई भी व्हाट्सएप में जोक आते हैं, ठीक है, जोक्स आते हैं या फिर शायरियाँ आती हैं जो व्हाट्सएप ग्रुप में बहुत सारी, तो तुम्हें कोई भी चीज़ नहीं देखना, कुछ भी नहीं देखना है, तुम्हें क्या करना है, जो भी लिखा हुआ है उसको पढ़ना है तुम्हें। तुम्हारा टास्क ये है कि यार मुझे ये पढ़ना है, चाहे जोर से पढ़ना है, कुछ भी करना है, मेरे को जोर से पढ़ना है ये चीज़, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, और खुल के बोलना है बे, भाड़ में जाए लोग, दुनिया, ठीक है, क्या करना है, खुल के बात करनी है। कैसे, अब शायरियां आती है, जोर से पढ़ो उनको यार, शायरियां किसकी, उसकी, क्या है, अल्ताफ राजा, एक है सिंगर, वो हर मूवी हर सॉन्ग में क्या करता है, एक एक नहीं बहुत हजारों उसने शायरियां गाई हुई हैं, तो उस तरह की शायरियां गाओ, लेकिन जोर से गाओ बे, खुल के। जैसे उसने एक था कि एक शायरी थी उसकी कि मोहब्बत भी क्या चीज़ है, ना जीने देती है ना मरने देती है, और दुआ कीजिएगा कि वो मुझे मिल जाए, अगर वो ना मिली तो मर ही जाऊंगा, इस तरह का बोलता है। तो इसको जोर से बोलो, लाइक मोहब्बत भी क्या चीज है, ना जीने देती है ना मरने देती है, और उसकी स्टाइल में बोलो, खुल के जियो यार, मजे में शायरी को जोर से पढ़ो मस्त तरीके से, रियल में मजा आएगा भाई, एंजॉय करोगे, ठीक है। अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, अगर अच्छी नहीं लगी तो अनलाइक मार देना, इतना ही आज की वीडियो में, एंड सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। सब्सक्राइब क्यों करना है, शायद यार आई डोंट नो मैं वो चीज़ कब लेके आऊँगा, क्योंकि मेरे पास कोई व्यूअर नहीं है ज़्यादा। मैं एक चीज़ लाने वाला हूँ, बहुत तगड़ी चीज़ है यार, उससे बहुत चेंजेज आ सकते हैं हमारे देश में, हमारे, ठीक है, इस देश में बहुत अच्छे चेंजेज आ सकते हैं उससे, या फिर कहीं भी यार, कुछ भी चीज़, एक चीज़ है जो कि चेंज करना है लोगों को, ठीक है, वो चीज़ करना पड़ेगा, बाद में हो जाएगा वो, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है यार। मेरा 2018 का सपना था एक्चुअली वो चीज़ करके दिखाऊंगा, लेकिन नहीं हो पाया यार, फेल हो गया मैं अभी भी नहीं हुआ शायद, लेकिन देखते हैं 2018 में क्या होता है। इन्जॉय करो तब तक के लिए, एंड सब्सक्राइब करो इस चैनल को, एंड इन्जॉय करो, ओके, बाय बाय। एक और चीज़ है जिसके बारे में बताना चाहता हूँ तुम्हें, कि यार मैं जो वीडियो बनाता हूँ ना स्टैमरिंग के लिए, अगर तुम लोग चाहते हो ना, अगर जिसको स्टैमरिंग प्रॉब्लम है, अगर वो चाहता है कि यार मैं केवल स्टैमरिंग ना हो, मुझे केवल स्टैमरिंग ना हो, केवल मैं बात करना चाहता हूँ प्रॉपरली अच्छे से, ठीक है, तो यार वो चीज़ मैं इजीली कर सकता हूँ। और मैं चाहता हूँ कि यार कोई भी ना करे यार, कोई भी स्टैमरिंग ना करे, और कोई भी किसी की मजाक ना उड़ाए, इस वजह से किसी बंदे की मजाक ना उड़े, ठीक है, जिसकी ना बहुत गंदी प्रॉब्लम है ना भाई, वो चाहता हूँ कि मैं, वो बंदा बोले तमीज़ से, प्यार से बात करे, ठीक है, डरे ना यार, खुल के जियो, ठीक है। और मेरे चाहने से कुछ नहीं हो सकता यार, चाह तो तुम ही सकते हो, जिसको काम करना है वही कर सकता है, लेकिन मैं केवल टिप्स दे सकता हूँ, टिप्स का यूज़ करके डेफिनेटली तुम लोग करोगे, और मैं डेफिनेटली बनाते रहूँगा, तब तक बनाऊँगा जब तक हर एक इंसान की प्रॉब्लम सही ना हो जाए यार, हर एक बंदा ये ना कह दे कि यार मैं नहीं कर सकता, मैं कर सकता हूँ, ठीक है। और ये वीडियो आते रहेंगी, इस टाइम के लिए बहुत वीडियो बनेंगी, उसके अलावा लाइफ के बारे में बहुत सारी वीडियो बनने वाली हैं, एंड कुछ खुलासे करने वाले हैं, कुछ बकचोदियाँ पेलेंगे यार, ऐसा कुछ नहीं है कि यार मैं सीरियस रहता हूँ हमेशा, कुछ भी नहीं है, मजे में रहता हूँ, ठीक है। सो इन्जॉय, ओके, बाय।